मोदी 3.0 में गृह रक्षा विदेश और वित्त सभी मंत्रालय बीजेपी के हाथ में है। क्या है इन चारों मिनिस्ट्री की मिस्ट्री? क्यों माना जाता है इन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर? नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एसडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सरकार पर गठबंधन का दबाव था कि अहम मंत्रालय में कुछ बदलाव लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया है। गौरतलब है कि सरकार के चार सबसे ताकतवर मंत्रालय बीजेपी के पास है, जिसमें गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रहेगा। वहीं राजनाथ सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर को ही सौंपी गई। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा निर्मला सीतारमण को ही दी गई है। बता दें कि गृह रक्षा विदेश और वित्त मंत्रालय सरकार के सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्रालय माने जाते हैं। इन चारों मंत्रालयों को न सिर्फ बीजेपी से अपने पास रखा, बल्कि जो पिछले बार मंत्री थे उन्हें ही दोबारा भी जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार को गृह मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह को दोबारा रक्षा मंत्री बनाया गया। वहीं भाजपा सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर प्रसाद बता दें कि राज्यसभा सांसद एस जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं भाजपा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह और पवित्रा मार्गरिटा को राज्य मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्री बनाया गया। वहीं यूपी की महाराजगंज सीट से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपने इन चारों मंत्रालयों को फिर से एक बार अपने साथ रखकर ताकतवर कैबिनेट का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिति के अध्यक्ष होंगे और सभी अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर फैसले भी लेंगे। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।